नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। कोरोना काल में जिस तरीके से पढ़ाई बाधित हो रही थी, उसे वापस से सुचारू रूप से चालू हो, इसको देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समस्तीपुर में 9वीं कक्षा की पढ़ाई शुरू करने के लिए ऑनलाइन उद्घाटन किए हैं। देखिए, समस्तीपुर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 9वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन उद्घाटन किए हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल में पढ़ाई जिस तरीके से बाधित हो रही थी, इसको देखते हुए फिर से पढ़ाई सुचारू रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 9वीं कक्षा को शुरू करने के लिए ऑनलाइन उद्घाटन किए हैं, जिसको लेकर उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत चैता दक्षिण के लिलजी स्कूल में मुखिया मीना देवी, मुखिया प्रतिनिधि कमल कांत राय, शकलदीप राय, जीतन राम के साथ स्कूल के तमाम शिक्षक मौजूद थे। वही मुखिया प्रतिनिधि कमल कांत राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और शिक्षा के प्रति अपना विचार व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। ग्राम पंचायत चैता दक्षिणी, जो उच्च विद्यालय विहीन था, सरकार महागठबंधन के 2016 के सरकार बनने के बाद ही सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया जो वो सभी ग्राम पंचायत जहां उच्च विद्यालय नहीं है वहां एक एक मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित किया जाएगा। उसी निर्णय के तहत आज चैता दक्षिणी के उत्क्रमित मध्य विद्यालय लिलजी, जो सरकार के द्वारा चयनित हुआ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चैता दक्षिणी के रूप में, उसमें नवम क्लास स्मार्ट क्लास का उद्घाटन पूरे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन किया गया है। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते ग्राम पंचायत के लोग भी अति उत्साहित थे, जो इस तरह के माहौल को जश्न के रूप में चैता दक्षिणी की जनता मनाना चाहती थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते माननीय मुखिया जी के द्वारा, श्रीमती मीना देवी जी के द्वारा इसमें मौजूद हैं, पूर्व मुखिया शकलदीप राय जी, प्रधानाध्यापक आशा कुमारी जी, रामज्ञा उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक संजीव सिंह जी, पूर्व प्रधानाध्यापक हमारे अभिभावक हैं भोला जाधव जी और तमाम लोग जो सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए इस विद्यालय को विधिवत रूप से क्लास का उद्घाटन किए हैं। और हम सरकार से मांग करते हैं जो उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चैता दक्षिणी में 12वीं कक्षा के भी पढ़ाई आरंभ किया जाए, सभी लोग इसकी मांग करते हैं। और चैता दक्षिणी के लोगों ने पहले मुझे और हमारी पत्नी श्रीमती मीना देवी को जो सेवा का मौका दिया विकास के क्षेत्र में, चाहे वो RWD के सड़क का मामला हो, PWD के सड़क का मामला हो, ग्रामीण GTSNY सड़क का मामला हो, मनरेगा योजना का मामला हो और विभिन्न जो सरकार की योजनाएं हैं, विभिन्न जगहों से जो योजना का कंप्लीटेशन ग्राफ है वो अन्य जगहों की अपेक्षा की बहुत ऊंचा है। और हम मांग करते हैं और इसी तरह का प्यार और स्नेह मिलता रहा तो कमल कांत राय उजियारपुर प्रखंड में उजियारपुर विधानसभा के अंदर सभी लोगों की सेवा करना चाहता है। अगर आपका सहयोग और अवसर मिला तो उजियारपुर चमकता उजियारपुर निर्माण करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कमल कांत राय, मुखिया प्रतिनिधि चैता दक्षिणी। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से।
पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, स्वभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126। संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।